उदयपुर में दो युवकों के बीच हुई चाकूबाजी से जुड़ी नई अपडेट है। और दरअसल देवराज जो घायल छात्र था उसकी अस्पताल में मौत हो गई। इसके बाद अस्पताल के बाहर जमकर हंगामा हुआ, बवाल हुआ और जो परिजन थे वो पोस्टमार्टम के लिए तैयार नहीं थे। लेकिन अब जो सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है, पोस्टमार्टम के लिए जो परिजन है वो तैयार हो गए हैं। पोस्टमार्टम की प्रक्रिया भी जल्द शुरू होने वाली है, ये शुरुआती जानकारी मिल पा रही है। प्रशासन ने शांति बनाए रखने की अपील भी की है और जो शव था वो मॉर्चुरी में रखवा दिया था पुलिस ने ताकि हालात ना बिगड़े। लेकिन हालात वहां पर लगातार बिगड़ गए थे। प्रदर्शनकारियों पर लाठी चार्ज की खबरें भी आई थी। इतना ही नहीं, मृतक के परिवार को 51 लाख रुपए का मुआवजा देने का ऐलान भी प्रशासन की तरफ से किया गया था। और दूसरी तरफ पीड़ित परिवार के एक सदस्य को नौकरी का भरोसा भी दिया गया था। तो इस मामले में ये नई अपडेट इस वक्त जो आ रही है वो आपको बता रहे हैं। और चार मांगों पर सहमति भी परिवार से बन गई थी। फास्ट ट्रैक कोर्ट में सुनवाई इसकी करी जाएगी। परिवार को 51 लाख का मुआवजा, तत्काल संविदा पर परिवार के एक सदस्य को नौकरी का भरोसा भी दिया गया। जो प्रशासन अधिक से अधिक राज्य सरकार से बात करे, 51 लाख परिवार की चार मांगे थी, चारों मांगों को, चार परिवार की चार मांगे थी। पहली तो हमें सुरक्षा प्रदान की जाए, उनको दे दी। दूसरा फास्ट ट्रैक के अंदर मुकदमा चले, वो सहमति बनी। तीसरा 51 लाख रुपये का मुआवजा राज्य सरकार विभिन्न स्रोतों से राज्य सरकार देगी, ऐसा कलेक्टर साहब ने सबके बीच समझौते पे दस्तखत करके, और 10 हज़ार की प्रोसेस चल रही है। संभव हुआ तभी होगा, नहीं सवेरे होगा, जो भी बात चल रही है। सरकारी नौकरी का ऐसा संविदा पे अभी तत्काल लगाएंगे और राज्य सरकार को प्रस्ताव भेजेंगे स्थायी नौकरी के लिए संविदा पे 51 लाख रुपए की। अब आपको ये पूरा मामला बता देते हैं। दरअसल 16 अगस्त से पूरी आपको जानकारी देते थे। सुबह 10:30 बजे स्कूल के पास चाकूबाजी हुई थी दो युवकों में, जिनमें एक युवक हिंदू एक युवक मुस्लिम था। सुबह 11:30 बजे अस्पताल में बच्चे को भर्ती कराया गया, युवक को भर्ती कराया गया। वहां भीड़ जमा हो गई और 1 बजे करीब भीड़ आक्रोशित होने लगी। करीब 3:30 बजे बाजार बंद करा दिए गए। हालात को देखते हुए, चूंकि हिंदू मुस्लिम का ही मामला बन गया था, शाम 4:30 बजे पुलिस ने भीड़ को खदेड़ दिया। 5 बजे के आसपास पुलिस प्रशासन ने लोगों को समझाइश दी और 6 बजे निषेधाज्ञा लागू कर दी गई। ये सारा जो पूरा जो घटनाक्रम था 16 अगस्त का था। अब 17 अगस्त की बता दें आपको, दोपहर 12 बजे कलेक्टर ने अगले आदेश तक स्कूल बंद करा दिए उदयपुर के। फिर दोपहर 1:15 बजे जयपुर से डॉक्टरों की एक टीम MB अस्पताल पहुंची, जो घायल छात्र का इलाज कर रही थी। दोपहर 4 बजे अदालत ने आरोपी छात्र को बाल सुधार गृह भेज दिया। ये 17 अगस्त का घटनाक्रम था। अब आपको 18 अगस्त का घटनाक्रम बता देते हैं। सुबह 10 बजे घायल छात्र की मां ने बच्चे से मिलने की मांग की और वो धरने पर बैठ गई। इसके बाद सुबह 11 बजे कई संगठन और बच्चे जो परिवार था वो रैली के निकालते हुए अस्पताल जा पहुंचे। ये 18 अगस्त का घटनाक्रम। अब 19 अगस्त यानी कि आज की आपको बात बता दें, दोपहर बाद इलाज के दौरान देवराज ने दम तोड़ दिया और यहीं से पूरा मामला बिगड़ता हुआ नजर आया। हालांकि आखिरकार परिवार को समझाइश दी गई, कुछ बातों पर सहमति बनी और अब पोस्टमार्टम के लिए भी जो परिवार है वो एग्री कर गया है। दरअसल ये जो पूरा मामला था, दो छात्रों के बीच का जो विवाद था, चाकूबाजी हुई और चाकूबाजी में एक छात्र घायल हो गया जिसकी मौत हो गई। दरअसल ये हिंदू मुस्लिम का मामला बन गया था, चूंकि एक छात्र इनमें हिंदू था और एक छात्र मुस्लिम था। जिस छात्र की मौत हुई है या जो घायल हुआ था, घायल के होने के बाद उसकी अस्पताल में मौत हो गई, वो छात्र दरअसल हिंदू था और इसमें सियासत भी इन्वॉल्व हो गई थी।